फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल जेके लाइफ स्टॉक में। और आज मैं आपके सामने एक और अंडमान शॉपिंग ब्लॉग लेके आई हूँ, मतलब सीरीज लेके आई हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाली अंडमान शॉपिंग सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। आज मैं आपके सामने अलग अलग शॉप से जो मैंने अंडमान से सुवीनियर्स खरीदे हैं उसकी एक आपको झलक दिखाने वाली हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो है एक वास है, और ये वास मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये शेल्स से बना हुआ ये वास है इस तरह का, और यहाँ पे बर्ड्स देखिए आप कितनी प्यारी सी है, और यहाँ पे अंडे भी दिखाए गए हैं, और इस तरह से ऊपर फूल है। तो ये बहुत अच्छा एक शोपीस मुझे लगा था, और ये मैंने लिया है मीना एम्पोरियम से। ये मीना जो है ये डेयरी फार्म में है, मैं लोकेशन आपको दे दूँगी। मीना एम्पोरियम से ये लिया था, और इसकी प्राइस अराउंड 300 के आसपास थी। जी हाँ, और ये बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा छोटा और बड़ा दोनों आता है, पर मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, और इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। मैं आपको पास से इसको दिखाती हूँ, और बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं। इवन मेरे को लगता है कि किसी ओकेजन पर आप अगर फूलों के बुके देते हैं, पर अगर आप अंडमान से कहीं जा रहे हैं तो आप ओकेजन पर बुके की जगह इसे भी दे सकते हैं। ये एक याद के तौर पर हमेशा उनके साथ रहेगा। तो ये मैं जो है आपको अपना पहला सुवीनियर यहाँ पे दिखा रही हूँ, देख लीजिए इसको आप आराम से। मैंने ये जारवा का छोटा सा पीस लिया है, सुवीनियर लिया है, ये छोटा सा है, और ये मुझे पड़ा था 50 रुपीज़ का। ये मैंने आंचल शी सेल स्टोर से ही लिया था, इसकी मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा। और यहाँ जारवा जो एक ट्राइब है उसका ये एक मॉडल है, तो आप इसको एज अ सुवीनियर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा ट्राइब्स असलियत में दिखते हैं। ये मैंने लिया है एक सॉल्ट एंड पेपर का ये स्प्रे टाइप का बॉक्स है, मतलब ऊपर में आप देखिए इस तरह से यहाँ पे छेद दिया हुआ है, तो इसमें आप अपना सॉल्ट एंड पेपर स्टोर करें, बहुत ही क्लासी लगेगा आपके डाइनिंग टेबल पर। और ये भी ज़्यादा प्राइस का नहीं है, ये मैंने सागरिका से लिया था, सागरिका से जो यहाँ का गवर्नमेंट एम्पोरियम है, ये मुझे पड़ा था अराउंड 50 या 60 रुपीज़ का, ज़्यादा नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने लिए या गिफ्टिंग के पर्पज़ के लिए लेते हैं तो। और ये है बंगाली में इसको शायद शाका या पोला कहते हैं, ये वाइट कलर का है, ये हाथी दांत का यूजुअली होता है आइवरी का, पर यहाँ पे ये शेल का है। और मैं आपको इसकी प्राइस भी पास से दिखा देती हूँ। ये भी मैंने सागरिका एम्पोरियम से लिया था, ये 336 रुपीज़ का मुझे पेयर आया था। ये इस तरह के बैंगल्स होते हैं, आप देखिए, और बहुत पास से मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह की कार्विंग की गई है, ये शेल के बैंगल है, ओरिजिनल शेल के बैंगल है। और अगर आपके घर में कोई रिचुअल्स है, फंक्शंस है, ये मैरिड वुमेन पहनती हैं, तो आप इस तरह के बैंगल्स अपने लिए ज़रूर लेके जाइए, बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं ये बैंगल्स। लास्टली ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया मुझे ये माला, और इसका कलर बहुत ही प्यारा था, ऐसा कलर यूजुअली मिलता नहीं है, पेस्टल ग्रीन कलर का, तो ये हमने लिया था। थोड़ा अलग का कलर था, रेड ब्लू वगैरह मिल जाते हैं, ब्लैक भी मिल जाते हैं, बट ये हल्के ग्रीन वाला कलर नहीं मिलता है। तो ये हमने वहाँ से, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलाया था, और ये हमें 100 रुपीज़ का पड़ा था। ये छोटा है थोड़ा, अगर आप बड़ा लेंगे तो आपको 120 या 150 का पड़ेगा। ये मैंने कार्बाइंस बीच के पास जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वहाँ से लिया था। सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक में ज़रूर दे दूँगी। और फ्रेंड्स, आप इसे देखिए, इस पिकॉक को, ये बैम्बू से बना हुआ पिकॉक है, इतना सुंदर सा पिकॉक मैंने अभी कहीं नहीं देखा था। तो ये मैंने अंडमान से लिया है, ये मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा, वो शॉप सेम थी आंचल शॉप से, और इतना सुंदर पिकॉक है, मैंने जिसको भी गिफ्ट दिया है उन्हें भी ये पिकॉक बहुत पसंद आया है। तो अगर आप आते हैं और आपको इस तरह की कुछ यूनिक चीज़ें दिखें तो आप ज़रूर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा छुटकू सा इस घर का एक मेहमान, ये भी अंडमान से मैंने लिया था, ये स्क्विरल है, आप देख सकते हैं इस तरह की ये स्क्विरल है। ये 125 रुपीज़ की मैंने ली थी नील बीच से। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, बाहर बहुत बारिश हो रही है अंडमान में, अंडमान की बारिश का अलग ही मज़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, ये बहुत प्यारा सा है, इस प्यारे से दोस्त के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।